अब बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। जी हाँ, शानदार कप्तानी उन्होंने की, बहुत बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच में लिए, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को कानपुर में 7 विकेट से हरा दिया। हम जैसा कि लगातार बात कर रहे हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत सकती है, लेकिन क्या माइंडसेट था रोहित शर्मा का इस टेस्ट जीत के पीछे, इस प्लानिंग के पीछे, इस पर रोहित शर्मा ने मैच के बाद खुलकर बातचीत की है। उन्होंने पूरे मैच का हाल भी एक तरीके से बताया है कि ड्रेसिंग रूम में किस तरीके का माहौल था और क्या रणनीति वो इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए बना रहे थे। तो रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा, हम सब चलते रहते हैं, जाहिर तौर पर किसी स्तर पर हमें अलग अलग कोच के साथ काम करना शुरू करना पड़ता है। ये बयान जो है वो गौतम गंभीर के लिए देते हुए नजर आए कि गौतम गंभीर के साथ आपकी किस तरीके का बॉन्ड है, किस तरीके की ट्यूनिंग आपकी बैठ रही है। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग कोच के साथ काम करना शुरू करना पड़ता है। जब राहुल भाई ने कहा कि उनका यहाँ काम हो गया है, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। गौतम गंभीर, मैं उनके साथ खेला हूँ और जानता हूँ वो किस तरीके की मानसिकता के साथ आते हैं। शुरुआती दिन है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत रही है। ये चीज उन्होंने गौतम गंभीर के लिए कही कि अभी तक सब कुछ चंगा है, सब कुछ वेल एंड गुड है और उम्मीद करते हैं कि यही आगे भी देखने को मिले। इसके अलावा टेस्ट मैच क्योंकि यहां पर 2 दिन बारिश की वजह से धुल गए थे, तो रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि क्या सोच थी आपकी इस जीत को हासिल करने के पीछे, तो उन्होंने कहा कि एक बार जब हम 2.5 दिन गवा चुके थे, जब हम 4th दिन आए तो हमें उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम बल्ले से क्या कमाल कर सकते हैं। जब वो 230 रन पर आउट हो गए तो ये हमारे द्वारा बनाए गए रनों के बारे में नहीं था, बल्कि उन ओवर्स के बारे में था जो हमने उनसे हासिल किए, यानी कि बल्लेबाजी करने के लिए जो ओवर्स हमें उनसे मिले, ये उसी के बारे में सोचने के लिए था। पिच में ज्यादा कुछ नहीं था, उस पिच पर गेम बनाना एक शानदार कोशिश थी, एक जोखिम था, लेकिन हम इस जोखिम को यानी कि इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब आप इस तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप कम स्कोर पर भी आउट हो सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। भले ही हम 100 रन से 150 रन के बीच भी आउट हो जाते, लेकिन सोच जो है वो क्लियर थी कि बल्लेबाजी इसी तरीके से होगी और इसी तरीके से हम खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कहा कि रिस्क था, यहां पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन सोच यही थी कि जाएंगे तो जीत के लिए जाएंगे, ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 100 या 150 रन पर भी हम ऑल आउट हो जाते, तब भी हम यही कोशिश करते कि हम इस टेस्ट मैच को किस तरीके से जीत सकते हैं और क्या कुछ इस टेस्ट मैच में हम कर सकते हैं। रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं।